एस्पिरेंट सीजन 3 का कुछ कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ है, वो तो लोगों ने कमेंट्स में आप लोगों को भैया फोटो डाल रहा हूँ मैं अपनी, भैया सीजन 3 कब आएगा? मैं आई सॉ दैट, अबे लुक एट दिस फेस ब्रदर, से यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, व्हाट इज सीजन 3 कब आएगा? एस्पिरेंट में ही राइट, आपने इतना अच्छा एक्सेंट वो पकड़ा है। बहुत सारे बिहार के लोगों के अभी मैसेजेस आते हैं कि अनुराग कश्यप नहीं होते तो मैं कभी कान नहीं जाता, यू नो, या अमित शर्मा नहीं होते तो शायद मैं कभी मुंबई नहीं आता, मेरे को पहली फिल्म नहीं मिलती जो आलिया के साथ मैंने की। तो कारगिल शुरू हुआ और सडनली हमारे पेरेंट्स को, मतलब फादर्स को भेज दिया गया बॉर्डर्स पर, और हमें पता नहीं था कौन से बॉर्डर पर किसको कौन पोस्टेड है। तो हमारी क्लासेस चलती थी, और अगर क्लासेस के बीच में अगर कोई टीचर आ गया और बोला है कि आपको असेंबली ग्राउंड में चलना है, तो हमें समझ में आता था किसी के पिताजी शहीद हो गए। तो क्लासरूम से लेकर वो जो असेंबली हॉल तक का वॉक है उसमें कोई बात नहीं करता था, और सब ऐसे चल रहे होते कि हमारे बाप का नाम है। अभी तापसी शूट करी थी एक शो के लिए यार, वो पूरा का पूरा द होल फौज का माहौल देख कर ना यू आई स्टार्टेड क्राइंग एक्चुअली। पर अभी भी अगर मेरे पास मौका होता और अभी कोई बोले कि फौज ज्वाइन करनी है, मैं सब छोड़ के चला सब। रेडियो जॉकी वैसे कितना कमा लेते हैं? रेडियो जॉकीज अर्न 1.5-2 करोड़ रुपए। तो मैंने कहा अरे अभी तो लॉन्ग वीकेंड है, तो उसने कहा कि हाँ लॉन्ग वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड में क्या करेंगे करेंगे? मैंने कहा हिलाएंगे, उसने कहा क्या, और मैंने गाना चलाया। नाउ माय सी, आपका दिमाग जा रहा है कि हिलाएंगे मतलब, पर मेरा मतलब था हिलाएंगे क्या, टू बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी उसके चक्कर में। आउंदी है पंजाबी, आउंदी है उतनी अच्छी नहीं आती है, पर दिल्ली में भी बहुत पंजाबी कल्चर है ना, करेक्ट, सारी आंटियां थी पंजाबी सी। ए छुआ माने, जब तुम्हारे सास ससुर तुम्हारी बुराई कर रहे होते हैं ना, तो तुम्हें समझ नहीं पड़ती है, और प्रिटेंड करना होता है तुमने सुना ही नहीं है। फिल्म और टीवी ने ना बहुत एक स्टीरियोटाइपिकल कर दिया, कैसे हैं भैया क्या कर रहे हैं, अबे नहीं बोलता ऐसे कोई। हाय कैसे हैं आप, मेरा नाम है अभिलाष सबरियाल और आप सुन रहे हैं। पर दिन एंड टुवर्ड्स द एंड हमेशा फॉर्मल हो जाती है थोड़ी सी। एंड का तरीका थोड़ा फॉर्मल है, पहला वाला कैजुअल है। कैजुअल ही रखती हूं, फिर फॉर्मल हो रहा है ना। Hi guys, we are back with Unfolding Talents, और आज हमारे साथ हैं एक एक्टर, एक एक्स रेडियो जॉकी, एक शायर। तो फिर शायरी से ही शुरू करते हैं। अर्ज किया है, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर में मुझे सुकून ना आए, बाबा ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर में मुझे सुकून ना आए, मॉर्निंग गुड तब बने जब मिले अदरक वाली चाय। वाह 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 वाह, खत्म नहीं हुआ अभी गाइस। मैं तो चाय उठा रही थी। मॉर्निंग गुड तब बने जब मिले मुझे अदरक वाली चाय, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए। हाय 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 हाय, मूविंग ऑन मूविंग ऑन। आज हमारे साथ है अभिलाष थपलियाल, एंड वेलकम। थैंक यू वर्जीन। अभिलाष भाई देखो, आपको अभी तक समझ आ गया होगा, हमसे तो नहीं हो पा रहा ये शायरी वायरी। तो यार एक माहौल बनाने के लिए एक शायरी प्लीज आप। यार मतलब मैं ऐसे शायरी वायरी तो करता नहीं हूं, हमने देखा है आप करते हो, दो लाइंस कुछ भी मैं रैंडम ऐसे लिख देता हूं, तो दो लाइन ही हो जाए थोड़ा माहौल सेट हो जाएगा, हमने तो बहुत गंदा कर दिया। कैसे उठाएंगे इससे बेटर, क्या करेंगे यार। मैं एक अभी मेरे को एक अवार्ड मिला था, तो मैंने कहा था कि पीठ पीछे कहेंगे लोग तो सुन के आंखों में नमी मत लाना, लड़ते रहना बढ़ना आगे तो अपनी कोशिशों में कमी मत लाना। तो आई थिंक बहुत ऊपर चला गया गाइस, सॉरी, फ्रॉम चाय टू आंखों में नमी, ये बहुत लंबा ट्रांजिशन गया यार, लेकिन मजा आ गया। बट मुझे ऐसा लगा मैं एसके सर की क्लासेस में हूं। मत करो यार, बहुत बहुत हो गया यार एसके सर की क्लास इन द लाइफ में। बट आई एम नॉट एन एक्स रेडियो जॉकी, आई एम आल्सो आई एम अ करंट रेडियो जॉकी, आई एम स्टिल डूइंग रेडियो। या बहुत वक्त मिल जाता है लाइफ। व्हाट ऑल आर यू डूइंग राइट नाउ? अभी यार आई हैव अ कंपनी, तो वहाँ पे हम लोग पॉडकास्ट क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग वो एक पैरेलल चीज़ें चल रही हैं। उसके अलावा आई एम डूइंग एक्टिंग असाइनमेंट्स जो मिल रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा है कि बहुत अच्छे डायरेक्टर्स की कहानियाँ मिल रही हैं। प्लस आई एम डूइंग माय रेडियो शो विच इज़ अ रेगुलर रेडियो शो 5 to 9, दैट्स ऑन बिग FM। सो आई कॉल माई सेल्फ मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर अभिलाष, सो दैट्स वन थिंग विच इज हैपनिंग। आई कीप राइटिंग थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ अपनी खुशी के लिए, हाँ। किसी के लिए प्रोफेशनली नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक बहुत टफ जॉब है ऑफ राइटिंग, यू नो, पेजेस एंड क्रिएटिंग स्टोरीज एंड कैरेक्टर्स, दैट्स समथिंग विच आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू।
तो भी दो दो लाइनों में ऐसी चाय वाय जो है वो यार इससे आपके तो बेटर कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया कर रहे हो यार। मैं पूछ रहा हूँ आपके दिन में कितने घंटे होते हैं? हमारे तो 24 ही हैं यार, मेरे ख्याल से सभी के 24 होते हैं। आप तो, इतना कुछ कैसे कर रहे हो यार? यार मैं फौजी का बेटा हूँ तो एक डिसिप्लिन बाय डिफॉल्ट बचपन से रहा है। एक बहुत ही गलत मुझे लगता है कि वो है कि ये कहा जाता है कि जो क्रिएटिव लोग हैं बड़े इनडिसिप्लिन होते हैं, वो बहुत गलत गलत थॉट है। अगर वैसा होता तो फिर कहानियां नहीं कही जाती जिस तरीके से कही जा रही हैं, फिल्म्स नहीं बन पाती एक सेट टाइम में, फिर डायरेक्टर बोलता मैं क्रिएटिव आज मेरा मन नहीं कर रहा है। तो क्रिएटिव लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं। कितने बजे उठते हो आप? 7-7:30 मैक्सिमम 8 अगर हो गया तो। पर उठने का रीज़न मैं नहीं हूँ, मेरी बीवी है क्योंकि उसको ऑफिस जाना होता है तो उस वजह से जल्दी उठना होता है। पर आई हैव रियलाइज कि मैं मॉर्निंग पर्सन तो नहीं हूँ क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक ना मैं दिल्ली में मॉर्निंग शो करता था। हाँ, तो मॉर्निंग शो जो होता है वो शुरू होता है 7 बजे के करीब। तो 7 बजे के शो के लिए आपको 6:30 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता है और मैं टाइम को लेकर बहुत पंक्चुअल हूं। वी सॉ दैट ही वाज बिफोर टाइम। हमारे पहले गेस्ट जो टाइम से पहले आ गए। नहीं तो मैं बहुत बड़ा पंक्चुअल हूँ क्योंकि मेरे को एंग्जायटी होती है, क्योंकि अगेन फौजी का बेटा तो मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि किसी और का वक्त जाया मत करो। तो मुझे वो हमेशा लगता है कि मैं आपका पैसे शायद उड़ा सकता हूँ, वो आप वापस कमा लेंगे, आपका वक्त ले लूंगा तो फिर वो वापस नहीं आएगा आपके पास। That doesn't mean मैं आपका पैसा लूंगा। मैं थोड़ा सा डर गई थी कि है ही नहीं, अब क्या करूंगी मैं? Oops. नहीं मुझे डर लगा ही नहीं क्योंकि है ही। तो मॉर्निंग शो जब करता था 6:30 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता था। तो वो 4 साल मेरी जिंदगी के मौत साल थे क्योंकि मैं 4 सालों तक भी मैं पहुंचता रोज था लेकिन शरीर जाता था, आत्मा सोती ही थी। तो बहुत लंबे वक्त के बाद मुझे रियलाइज हुआ आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। तो जब आप मॉर्निंग शो के लिए पहुंचते थे एंड इफ यू आर स्लीपी बट आपको पूरे शहर को जगाना है अपनी आवाज से, व्हाट डिड यू डू? लाइक यार वो तो काम है फिर, मतलब मेरे को लगता है कि रेडियो होता सुबह 7 बजे शुरू है, सुनता कोई 8 से पहले नहीं है। ये पता सुनते हैं यार, मॉर्निंग शो बाय द वे इज द मोस्ट सॉट आफ्टर स्लॉट, मॉर्निंग एंड इवनिंग टू स्लॉट्स व्हेन यू आर गोइंग टू ऑफिस एंड यू आर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस। तो ड्राइव टाइम बोलते हैं रेडियो। करेक्ट। मुझे याद है हम लोग ट्रैवल करते थे तो मेरा जो फर्स्ट जॉब थी मैं दिल्ली से गुड़गांव ट्रैवल करता था। अच्छा। तो वो अपने आप में 2-2.5 घंटे की जर्नी होती है। तो हम लोग बैठ के क्या करते थे कि रेडियो ही था। इट्स रियली नाइस। मैं तो बहुत इंस्पायर हो रही हूँ, मैं तो ऐसे सुन के सोच रही हूँ कि मैं टाइम से ही उठती हूँ, बहुत लेट नहीं उठती पर अब मैं और जल्दी उठूंगी। अरे लेकिन मेरा फोन का टाइम बहुत ज्यादा है, मेरे को वो थोड़ा कम करना है। मैं बहुत ज्यादा फोन पे रहने वाला बंदा हूं। तो कौन से ऐप पे सबसे ज्यादा? इंस्टाग्राम, ट्विटर जो कि अब एक्स है। आपके ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है येट अनदर ग्रुप ऐसे टाइप का है कि आप लोग ज्यादा क्रिएटिव होंगे आई एम श्योर? नहीं, लूज इमोशंस करके एक है वो दोस्तों का ग्रुप है। एक एस्पिरेंट में भी आपने ही ग्रुप बनाया था मुझे लगता है। हाँ एस्पिरेंट से मैंने, आप नहीं तो ये बट रियल लाइफ में नहीं आता, रियल लाइफ में दूसरों को दे रखा है काम। लूज इमोशंस इज सो फनी। लूज इमोशंस यार, लूज इमोशंस तो वहां पे कुछ भी बोल देते हैं हमारे यार, इट्स लूज इमोशंस। आपने मेंशन किया कि आप आर्मी किड हैं एंड आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स जो आर्मी किड्स अब बड़े हो गए, आर्मी एडल्ट्स व्हाटएवर, बट ना मजे में ही बोलते थे एंड टेल मी इफ दिस हैपेंड विद यू और यू डिड दिस, बट दे लाइक यू सिविलियंस तुम लोग। हां मतलब होता है बहुत, इट्स वेरी इनकरेक्ट लेकिन हमेशा होता है कि वैसे सिविलियंस आर्यू भाई हम हमसे आर्यू भाई। अरे मैं भी तो सिविलियन हूं, वो रियलिटी चेक हो चुका है कि बेटा तू भी यही है, तेरे बाप ने कुछ किया था तूने कुछ नहीं किया, तू भी सिविलियन है, वो रियलिटी चेक है। जैसे मेरे डैड का इलाज जो चल रहा था वो चल रहा था आर्मी हॉस्पिटल में, राइट दिल्ली में जो धौला कुआं के पास में, कैंट नहीं है मतलब थोड़ा सा, हाँ, उसी तरफ है। तो मैं और मेरी बीवी लेके गए उनको, तो वहां पे कुछ लोग थे, मैंने कहा लुक एट दिस आर्मी लाइफ और एक बाहर सिविलियंस है, अनुभूति ने से देखा बोला तू कौन है? Like of course I am also, but वो फौज जब भी आप हाँ फौज में कहीं पर जाते हैं, जैसे अभी तापसी शूट कर रही थी एक शो के लिए, जय जवान करके शो आता है एनडीटीवी पर, हाँ तो उसके लिए शूट करी थी, वो कश्मीर में गई थी। तो उसने मुझको कहा कि मैं फौज में फौजियों के साथ शूट करने आ रही हूँ चलेगा? तो मैंने कहा कौन सी यूनिट है? तो गुरखा राइफल्स थी, मेरे पापा कुछ टाइम के लिए गुरखा राइफल्स के साथ भी था, मैंने कहा मैं चलूंगा, मैं कल ही चलूंगा। तो मैं गया उसके साथ और यार वो पूरा का पूरा द होल फौज का माहौल देख कर ना यू आई स्टार्टेड क्राइंग एक्चुअली। तो मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं और शगुन तापसी की बहन हम लोग पीछे बैठे हुए थे, आई वाज जस्ट क्राइंग लुकिंग एट द परफॉर्मेंसेज एंड एवरीथिंग, इट वाज सो ब्यूटीफुल। सो अंदर से तो आप फौज के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, पर अभी भी अगर मेरे पास मौका होता और अभी कोई बोले कि फौज ज्वाइन करनी है मैं सब छोड़ के चला जाता।
बट आई एम श्योर एज एन एक्टर आप यू गेट टू प्ले सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स इट्स अ डिफरेंट थिंग यार मतलब व्हेन यू गेट टू प्ले अ कैरेक्टर ना आप शूट करते हो बाद में तो आप वैनिटी वैन में ही बैठे होते हो ना आप थोड़ी ना फौज वाली लाइफ तो नहीं जी रहे हो पर मजा वो है यार उस जिंदगी को जीने में जैसे मैं बताता हूँ हमेशा कि जब कारगिल हो रहा था तो उस टाइम पर मेरे पापा जयपुर में थे तो हम सब जयपुर में पोस्टेड थे मतलब पापा पोस्टेड थे हम सब जयपुर में थे तो मैं केवी नंबर 4 जयपुर के एंट में पढ़ता था उस टाइम पर तो अगर फौजियों के बच्चे ज्यादातर दो ही स्कूल्स में होते हैं एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल या फिर केंद्रीय विद्यालय मैं दोनों जगह पढ़ा हूँ तो जब हमारी क्लास चलती थी तो कारगिल शुरू हुआ और सडनली हमारे पेरेंट्स को मतलब फादर्स को भेज दिया गया बॉर्डर्स पर और हमें पता नहीं था कौन से बॉर्डर पर किसको कौन पोस्टेड है तो हमारी क्लासेस चलती थी और अगर क्लासेस के बीच में अगर कोई टीचर आ गया और बोला है कि आपको असेंबली ग्राउंड में चलना है तो हमें समझ में आता था किसी के पिताजी शहीद हो गए तो क्लासरूम से लेकर वो जो असेंबली हॉल तक का वॉक है उसमें कोई बात नहीं करता था और सब ऐसे चल रहे होते थे कि हमारे बाप का नाम ना है और जैसे ही वो बोलते थे कि आपको बहुत ही दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि आज फलाना के पिताजी और अगर आपके पिताजी का नाम नहीं आता यू लाइक आपको ऐसा लगता था कि चलो बच गए मुझे याद है हम लोग हमारी क्लास में एक राजेंद्र नाम का लड़का था उसके डैड शहीद हुए थे और वो बड़ा अजीब मोमेंट था यार क्योंकि भले ही आपकी फैमिली से कोई नहीं गया था लेकिन आपके आसपास के किसी की फैमिली से चला गया था तो वो लाइफ बहुत अलग लाइफ है यार स्पेशली ये मोमेंट जब भी मैं देखता हूँ कि पांच जवान शहीद हुए आप पांच जवान लिख देते हो पर वो पांच कहानियां जो है ना वो बहुत स्ट्रांग कहानियां हैं तो वो हमेशा जब भी हम लोग ये फौजियों से बात करते हैं ये चीज तो एक रियलाइज होती है कि इट्स नॉट जस्ट द फौज यार उनकी फैमिलीज भी बहुत सैक्रिफाइस करती हैं लाइक यू मेंशन यू वुड मूव सिटीज ना या बचपन से लेकर या तो दोस्तियां कैसे मतलब मेंटेन हो पाती थी कि आप मन बनाते थे दोस्त कि अब तो चले ही जाना है नहीं यार नहीं वैसा तो कभी नहीं होता है बचपन में तो ये सब समझ भी नहीं होती है कि आप वक्त को लेकर लोगों को नहीं देखते हो ना अब तो हम लोग ऐसा देखते हैं इससे कोई काम है नहीं है तो छोड़ना फायदा और नुकसान नहीं रहता है बचपन में बट आई एम श्योर एक्साइटमेंट जरूर होती होगी शायद से कि नई जगह जाना है नई जगह दुख होता है यार दुख होता है बहुत दुख होता है यार सब छोड़ के जाना मतलब वी हैव क्राइड पता नहीं तुम लोग एक जगह पर कितने कितने साल रहे हो लेकिन पूरी जिंदगी मैं एक्चुअली हिंदुस्तानी हूँ यार जम्मू कश्मीर की पैदाइश है पला बड़ा में गुरदासपुर पंजाब मध्य प्रदेश में ग्वालियर जयपुर राजस्थान दिल्ली मुंबई में अबू शादी मैंने उड़िया लड़की से की है तो मतलब इससे ज्यादा तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कई जुबानें कई कल्चर्स बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस किए तो हाँ सुंदर उड़िया थोड़ी बहुत You know why I speak Assamese? हाँ and Odia and Assamese is very close. कैसे? बोलो जैसे आपने वो भाल देखी से? वो तो मेरे को पता है. That है ना. Say something जो मुझे ना पता हो. आजी बहुत और तो बहुत बेहादे. नहीं. मुझे तो पहले वाला भी समझ नहीं आया था मुझे ये भी समझ नहीं आया. I said he looks really good today. Then I said the weather is a little off today. Oh okay. But I'm sure when your wife watches this. She might be able to pick it because I can understand Oriya and I only realized it once. Hey, chua mane. So you kind of do. Classes तो आपको भी मिली हैं. Classes तो आपको मिली. ऐसा है दोस्त जब तुम्हारे सास ससुर तुम्हारी बुराई कर रहे होते हैं ना तो तुम्हें समझनी पड़ती है और pretend करना होता है तुमने सुना ही नहीं. दोनों है acting भी है understanding भी but acting भी है performance. All aspects of your personality. तो आप सिर्फ वो सुने जो आपको समझ में आ रहा है जो आपके फायदे का है बाकी आप ये आपने सटल तरीके से जो बताया कि आपकी कि आप उनको मैसेज पहुंच जाएगा कि अरे हमें कुछ और लैंग्वेज सीखनी चाहिए आप यार गुरदासपुर में थे तो आपको पंजाबी भी आती है आउंदी है पंजाबी आउंदी है उतनी अच्छी नहीं आती है पर दिल्ली में भी बहुत पंजाबी कल्चर है ना करेक्ट फिर सारी आंटियां थे पंजाबी सी तो इतनी तो मुझे भी आती है नहीं नहीं बहुत अच्छी बोल रहे यार मतलब एक्सेंट का किया फिर लो जी आगे ना निकल के बाहर नहीं यार आप एक्सेंट बहुत अच्छे पकड़ते हो आप मैंने सो एस्पिरेंट में ही आपने इतना अच्छा एक्सेंट वो पकड़ा है हम लोग इनफैक्ट हम लोग कल ही डिस्कस कर रहे थे कि आपने कैसे वो पकड़ा है वी वांटेड टू नो अबाउट इट यार एक्चुअली हाँ मतलब सब बहुत सारे बिहार के लोगों के अभी मैसेजेस आते हैं कि इतना एक्यूरेट है वो सबको बहुतों को लगता है बिहार से कहां से हो भैया ये मैसेज आता है भैया कहां से हो भैया हम कहीं से नहीं हो भैया हम उत्तराखंड से हो भैया यार मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स थे जब मैं कॉलेज में था खालसा से पढ़ा हुआ हूँ मैं
दिल्ली यूनिवर्सिटी. मैं जर्नलिज्म कर रहा था और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बिहार के स्टूडेंट्स थे जो दिल्ली में आए हैं. और जब दिल्ली में, जब आप बिहार में रहते हैं और जब बिहार से दिल्ली में आते हैं तो आपकी जुबान दिल्ली होना चाहती है. और जब आपकी जुबान दिल्ली होना चाहती है तो फिर वो होना शुरू कर देती है. तो जो आप गांव में बोलते हैं या घर पे बोलते हैं वो नहीं रहती है जुबान, वो ट्वीक होती है, वो थोड़ी सी रिफाइन होती है, वो थोड़ी शहरी हो जाती है. तो वही हमारा फोकस था कि जब एसके बोले तो एसके यूं ना लगे कि वो बिल्कुल अभी उठ के वहां से आया है. वो यहाँ प्रिपरेशन कर रहा है तो उसने ऑब्वियसली दिल्ली को, ओल्ड राजेंद्र नगर, उसके दोस्त जो स्कूल के दोस्त थे, जो ट्राईपॉड था उसका, वो साफ जुबान बोलते हैं. तो आप जब यार दोस्तों के साथ रहते हैं, अगर आप, अब हमारे यहाँ तो मतलब ऐसा होता है कि दो हफ्ते भी कोई विदेश रह जाए तो उसके आर्स रोल करना शुरू कर जाते हैं. वो नेचुरल होता है ना, इफ समवन गोस टू लंदन दे स्टार्ट टॉकिंग लाइक दिस, इट्स आल्सो नेचुरल. नो, एक हफ्ते में कोई नेचुरल नहीं होता दीदी, लोग समझते ही नहीं है वहां पे. अगर आप ना, कोई नेचुरल नहीं होता. मैं रहा हूँ लंदन में, मुझे पता है, मैंने अंग्रेजी में बात ही नहीं की है. बट आंट पीपल ऑलवेज सेइंग सॉरी आपको सब हिंदुस्तानी दिखते हैं, टिकट ले रहे होते हो, ओटू जाना है. मैं ये बोलता था ओटू जाना है, हिंदुस्तानी भैया कौन सी लेनी है, अरे ब्लू लाइन ले ले. ये मैंने मैंने बोला, मैंने बात ही नहीं की अंग्रेजी में, क्योंकि सब अपने बंदे. You got lucky. I was very like, I felt trolled. Every time I opened my mouth, everybody was like, sorry. बदतमीजी कर मत दियो, चाटा भी मार दूंगा फिर मैं. और आप ऐसे अंदर जाने के लिए खड़े हो पर बार बार आ जाते हैं. हां वो हो जाता है बहुत बार. पर हाँ, तो जो ये सारे के सारे मेरे दोस्त थे वो सब बिहार से यहाँ पर आए थे, तो उनकी जुबान कुछ की साफ हो रही थी, कुछ की साफ हो चुकी थी. कहीं पर अभी भी ड़ को र था, कहीं कभी भी र को ड़ था. तो वो हम सब ने वो उस पर बड़ा बहुत क्लोजली देखा था मैंने उन सब चीजों को. बट दिस वाज होमवर्क दैट यू डिड, आपकी कोई अलग से नहीं यार. हाँ डायरेक्ट नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. डायरेक्ट कोचिंग अप्पू जो हमारे डायरेक्टर है उनके साथ बस बैठ कर ये होता था कि कितना रखना है इसको, क्योंकि एक तो बॉलीवुड और फिल्म और टीवी ने ना बहुत एक स्टीरियोटाइपिकल कर दिया, कैसे हैं भैया क्या कर रहे हैं. अबे नहीं बोलता ऐसे कोई. Correct. हर इंसान एक तरीके से नहीं बोलता है. हर पंजाबी और जी कैसे हो आप, क्या करो, ऐसे नहीं बात करता है. लस्सी उसी बुला ब्रा, ये नहीं होता है. बहुत अलग अलग तरह के पंजाबी होते हैं. तो वो स्टीरियोटाइप तो कर ही दिया यार. तो उसको अच्छा एक अच्छी चीज हुई जहाँ पर कि थोड़ा सा अलग फ्लेवर. A lot of, I got a lot of messages thinking people thought that I'm from Bihar and that's why I could do that accent. Biggest compliment. Haan, I think it's a big compliment. एक मेरे को ये लगता है. और एक फिल्म मैंने की थी तापसी के साथ ब्लर. उसको देखने के बाद मेरे दोस्तों ने कहा था कि, मतलब जो महिला मित्र है मेरी, उन्होंने कहा था कि तुझसे हम लोग अकेले में नहीं मिलेंगे. डर लग गया उनको. हाँ मतलब वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. पीपल हु नो यू इफ दे गेट स्केयर्ड ऑफ यू because you have played a villain, a convincing character. Yeah, yeah, तो वो बहुत बड़ा होता है. और या फिर फाड़ू में भी एक मेरे को compliment आया. मेरे दोस्त ने चार episode देखे, call करके बोल रहा है तू कहाँ पर है, तू आएगा कब, कौन से episode में आएगा. मैंने कहा मैं तो आ गया, पहले में आ गया था. हैं कौन, क्या character, कौन है तू. तो मैंने कहा वो जो शराबी है, वो तू है. एक second रुकियो, ओ भाई ये तो तू है. ये बड़े अच्छे compliments मुझको लगते हैं. जहाँ क्योंकि यार अगर हम लोग यही प्ले कर रहे हैं हर एक फिल्म में, हर एक जगह वो सेम nuances, सेम जुबान, सेम लहजा लेकर आ रहे हैं, तो कुछ नया एक्टिंग तो नहीं हो रही है. हाँ मतलब एक्टिंग हो रही है, अच्छी एक्टिंग हो रही होगी, बट आप कुछ नयापन तो नहीं ला रहे हो. आप कैरेक्टर नया बनाओ ना, कुछ तो मेरे को लगे ना. Do you think आपका रेडियो का बैकग्राउंड इसमें, जुबान में तो हाँ है ना, जुबान में बिल्कुल. क्योंकि ब्लर जो फिल्म अगर आप देखेंगे तो मैं आखिर के 20 मिनट में आता हूँ उस फिल्म में. उससे पहले सिर्फ मैं, मेरी आवाज आ रही है. हाँ, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि चल रहा है. तो उसमें मेरा ऑब्जर्वेशन है कि रेडियो जॉकीज बहुत अच्छे एक्टर्स बनते हैं. पता नहीं यार, मैं तो दो तीन लोगों को जानता हूँ. जैसे मैं जानता हूँ आयुष्मान खुराना रेडियो जॉकी थे, क्योंकि मैं उनसे मिला था जब मैं कॉलेज में था और वो आरजे थे. तो पहली बार जो जिन रेडियो जॉकीज से सामना हुआ था उनमें से एक 2006 में आयुष भाई थे, तो याद है मेरे को. सुनील दत्त साहब आरजे थे. कबीर, आई थिंक कबीर वेदी साहब भी
अच्छा नहीं, उनकी तो आवाज बहुत कमाल, बहुत कमाल की आवाज, अगर वो नहीं थे तो उनको होना चाहिए। I think मैं I may be wrong, but I think he was also beautiful voice, he's got a beautiful voice, बहुत अच्छा enunciation है, आवाज है, baritone। ओह हो भैया, आप करते हो सुबह कभी उठ के अपनी baritone record करते हो? हाँ कभी। So how do I know this? बहुत सही होती है। I've dated a radio jockey. वो सुबह उठ के यही करता था, वो ऐसे खुद से बातें तो नहीं करता था। यार उसका भी मॉर्निंग शो था कोविड के टाइम पे, वो ऐसे उठ के ना सुबह सीधा उठ के फोन पे रिकॉर्डिंग शुरू करके फोन से ही कर देता था, वो तो वही बैरिटोन बना के। अच्छा, बैरिटोन बना के यार वो मैं मतलब थोड़ा बनाना होता है, यू नो इट। नहीं, नॉट इट्स लाइक यू डू समथिंग, इट्स नॉट द रेगुलर वॉइस, रेडियो वॉइस। सो अभी तो मैं बताता हूं, शायद तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड नया नया रेडियो जॉकी रहा होगा। 13 साल से था फिर तो काफी कुछ। अच्छा यार बेचारा। तो हाँ। बेसिकली है अभी भी? हाँ। बॉयफ्रेंड है? नहीं, रेडियो जॉकी है। सॉरी। होता क्या, जब आप रेडियो करना शुरू करते हो, कोई भी आर्ट फॉर्म करना शुरू करते हो, आप ना कुछ लोगों को देखकर या सुनकर आते हो, राइट? ठीक है, तो जैसे जब मैंने रेडियो करना शुरू किया था 2006-07 की बात है, तो उस टाइम पर रेडियो ऐसा होता था कि 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं अभिलाष और अगला गाना आपके लिए चिंग चिंग चिंग, तो हम भी यही कर रहे होते थे। क्योंकि सबने हमने सुना ही ऐसे लोगों का कि आप सुन रहे हैं अगला गाना, जी हाँ कौन है हमारे साथ, हेलो जी क्या करते हैं, अच्छा यही सुन रहे थे हम लोग। तो रेडियो में बाद में आई रियलाइज दैट आई शुड बी टॉकिंग लाइक दिस because this is me, this is me, casual, वो तो कोई और है। तो I realized कि ये तो hi कैसे हैं आप, मेरा नाम है अभिलाष सत्याल और आप सुन रहे हैं big 92.7 मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर हूँ, नाउ दिस इज सुकून है, शांति है, अपने से कोई बात कर रहा है, आप थके हारे ऑफिस से जा रहे हो घर, आपने चलाया हुआ है कि ढल गया दिन हो गई शाम और पीछे आए क्या हाल चाल भैया, आराम से वहीं पर आपसे कोई नॉर्मल बात करे, क्या हाल चाल है, कैसा रहा ऑफिस, ये आपका बॉस यार उसने हालत खराब कर रखी है ना आपकी है, अच्छा सुनो ना एक गाना चला रहा हूँ आपके लिए, एक्चुअली आपके लिए नहीं आपके बॉस के लिए, इफ यू टॉक लाइक दिस देयर इज सुकून है आप में, तो आई जस्ट वांट टू गिव कनेक्ट भी और सुकून भी है, वो सुकून दे दो ना आप किसी को। रेडियो जॉकी वैसे कितना कमा लेते हैं? डिपेंड्स आप किस लेवल पर हो रेडियो जॉकी, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मेरे को लगता है 60-70 हज़ार रुपये से स्टार्ट तो ईजी हो ही जाता है जो यंगस्टर्स करते हैं, एंड देन इट कैन गो अप टू 10-12 लाख रुपये महीना, 15 लाख रुपये महीना, रेडियो जॉकीज अर्न 1.5-2 करोड़ रुपये तो आराम से साल देते हैं साल का, मतलब इफ यू आर आपने दिया है तो, क्योंकि रेडियो भी यार अब हिंदुस्तान में जो ये वाला FM रेडियो है वो 22 साल पुराना हो गया है, कई लोग तब से लगे हुए हैं। यू तो स्टार्ट विद एआई यार। No. You have recorded for I have yaar. because युवाणी करके एक होता था, तो वो आप करते ही थे वैसे, आपकी जर्नलिज्म स्टूडेंट हो तो आपको होता ही था कि ऑल इंडिया रेडियो में करते हैं ना जाके, तो आई डिड वन शो एंड दे लव्ड इट, वो चेक मैंने कभी इन कैश नहीं कराया, 750 रुपया 500 रुपए का वो चेक था, वो भी मेरे पास होगा रखा हुआ, ऐसा नाइस नहीं भूल गया था वरना करवा देता, कोई इमोशन नहीं था, भूल गया था, रह गया, इसलिए नहीं करवा पाया, बट हाँ but first salary was 10,000 rupees 10 या 12,000 rupees back in 2007 not bad cash 2007. not bad at all and that was your first year of college first year तक खत्म हुआ था second year शुरू हुआ I think overall ही फिर it panned out in your life ना मतलब radio jockey भी आप sort of live content creator हो ना as a radio jockey absolutely यार content creator वगैरह तो अब है और content creation में क्या गंदी गालियाँ भी तो कुछ होता नहीं that's true वहाँ गाली दे दी radio station बंद हो जाएगा मैं पूछने वाली थी कभी दी है गलती से निकली है live में एक बार एक ऐसा कहा था कुछ वो बड़ी controversy हो गई थी उसके चक्कर में तो एक गाना था टू सुना है टू लेफ्ट राइट कर तो मेरे साथ मेरा को-होस्ट था तो मैंने कहा अरे अब ये तो लॉन्ग वीकेंड है तो उसने कहा कि हाँ लॉन्ग वीकेंड में क्या करेंगे मैंने कहा हिलाएंगे उसने कहा क्या और मैंने गाना चलाया नाउ माय सी आपका दिमाग जा रहा है कि हिलाएंगे मतलब पर मेरा मतलब था हिलाएंगे क्या टू 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 और वो गाना चला पूरा पर वो कॉन्टेक्स्ट में लोगों ने नहीं समझा कंपनी के लोगों ने नहीं समझा तो मुझे बुलाया बोले ये क्या मतलब है मैंने कहा एक सेकंड लिंक चलाओ फिर से फिर मैं पूरा सुना बोलते ओ अच्छा
क्योंकि आपका दिमाग बाय डिफॉल्ट में मैं मासूम बच्चा मैं तो गंदा सोचा भी था कुछ बट जेन्युइनली आई डिड नॉट गंदी हां वो गाना ये क्या रहेंगे टू 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 वही है मुझे तो ये सब पता भी नहीं है आप क्या बोल रहे हो हाँ क्या होता है वो क्या होता है व्हाट डू यू मीन तो वैसा था बट वही एक चीज हुई थी अच्छा ठीक है लेकिन वो बहुत टफ है यार रेडियो जॉकिंग क्योंकि You have to be fun, but at the same time, there are a lot of do's and don'ts. Yeah. मतलब आप सीधे right. सीधे ministry के under में हो. Exactly. तो अगर आपको आपने कुछ unsent कर दिया तो suddenly आपको notice आ जाएगा, radio station बंद हो जाएगा, आपकी नौकरी चली जाएगी. तो वैसा सब. तो stakes were very high. हाँ. As and that's why I think radio jockeys को अभी तक उतना celebrate किया जाता है. हाँ. Because it's still a cool job. At the same time, it's a responsible job. It is. Absolutely. पहले बहुत frivolous भी समझते थे कि अरे क्या करते हैं बस बोलते ही तो है लेकिन वो बोलना बहुत tough है भैया एक मेरा दोस्त था बोलता था अरे क्या है बोलते ही तो अबे हम तो बैठे बैठे बोल लेते हैं ऐसे ठीक है क्या है तेरा रेडियो में फीवर है हां फीवर 104 एफएम बस हो गया तो मैंने कहा एक काम करते हैं रेडियो स्टेशन आ जा हां कॉल पे बोलता अबे कभी भी आ जाएंगे हम जो दिल्ली वाले लड़के ऐसे होते हैं अबे चल अरे हमें बताया तू उन्हें सब पता है दिल्ली वाले लड़कों को सब पता है आई फील एट होम हाँ ये बताइए ये बोल रहा है रेडियो जॉकी अब परसों वो वाला किस्सा बताया तू बता ये भी बोल रहा है भाई रेडियो पे तो ऐसा सब कॉन्वर्सेशन हो रहा था मैंने बुलाया उनको मैंने कहा फिर तुम रेडियो स्टेशन एक बार तो ऐसे ही वो बैठा हुआ था स्टूडियो के अंदर आया फोटो खिंचवाने के भाई फोटो तो खिंचवा दे भाई की माइक के साथ अब तो उसमें दो तीन मोड्स होते हैं रेडियो में इट्स नॉट कि आपने बटन दबाया और लाइव हो गए इट हैज टू बी ऑन द प्रोग्राम बटन तभी आप लाइव जाओगे अगर आपने इसे रिकॉर्डिंग बटन में ऑन किया है तो आप लाइव में जाओगे मैंने कहा बैठ और मैंने माइक दबा दिया मैंने कहा ऑन है बोलना ऐसा सब करना शुरू किया फिर मैंने उसको देखा ये होता है बेटा भाई तू यार मजाक करते हैं तू भाई सीरियसली लेता है तो ऐसे यार ऐसे होता है क्या कुछ यार भाई तू फोटो खींच भाई तो ऐसा सब ऐसे बहुत दोस्त रहे तो बहुत ही आसान लगता है लोगों को कि रेडियो जॉकिंग क्या है इट्स वेरी वेरी लाइव एनीथिंग इज नॉट इजी मतलब पूरा रिस्पांसिबिलिटी योर ब्रेन इज थिंकिंग योर टॉकिंग एंड आल्सो इट्स नॉट प्रिपेयर्ड ना कोई स्क्रिप्ट नहीं होती आपके पास आपको यू नीड अ लॉट ऑफ इंप्रोवाइजेशन अ लॉट ऑफ स्पोंटेनिटी चाहिए आपको मेरा हमारे साथ जो अभिलाष का कैरेक्टर जिसने किया नवीन कस्तूरिया वो बोलता है तू इतना फर्जी कैसे हंस देता है भाई तो मैंने कहा क्योंकि मैंने इतने सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू किया ना इतने गंदे गंदे जोक मारते हैं हंसना पड़ता है और जैसे वो जो मारते हैं ये करना पड़ता है यार हर बार एवरी टाइम यू हैव टू डू दिस क्योंकि सबकी ये वाला लाफ्टर हम कहीं बहुत जगह यूज करेंगे थ्रू आउट द एपिसोड हम लोग मुझे किसी एक वर्कशॉप में बोला था एक्टिंग वर्कशॉप में इफ यू कैन लाफ एंड मेक इट सीम रियल ऑन कैमरा यू आर अ गुड एक्टर दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी कस्तूरिया ही बोलता है कि यार तू कैसे हंस लेता है तो मैं कहता रुक तो फिर मैं अपना रेडियो शो कई बार उसकी वैनिटी में करता था तो वो देखता था मुझको अच्छा यहाँ से आ रहा है भाई यही है इतने क्योंकि कई सेलिब्रिटीज बहुत मतलब जो एक्टर्स एक्टर्स होते हैं उनको लगता है वो बहुत फनी होते नहीं तो उनको फील कराना होता है नहीं नहीं आप हो नो दिस हैपेंड यू नो देन ये सब कर करके यार आपने पोल खोल दी यार अपनी पोल खोल दी पर अब तब नहीं करता ना इंटरव्यू जब करता था तब की बात तो बहुत किया है ऐसे और सालों साल किया है लगातार किया है आई एम प्रो एट लाफिंग यही तो हमारी आजकल की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बिना हम रह नहीं पाते हैं इज़ सोशल मीडिया ठीक है पूरे टाइम फ़ोन पे मैं रहती हूँ आई नो आप रहते हैं बहुत रहता हूँ यार बट आई क्वाइट लाइक इट आल्सो बिकॉज उसमें से अपडेटेड भी रहते हैं लाइक वी नो दैट यू गॉट एन अवार्ड रिसेंटली directors it's for Ashwini Gir Tiwari it's for Amit Sharma it's for Anurag Kashyap it's for Ajay Behel it's for Navdeep Singh it's for Appu it's for Pratish so it's for all of them itni modesty ye badi badi filmein karke aati hai kaise jab aapko bade parts mil jate hain na aur aapko pata hai ye kaise mil gaya ye kya ho raha hai to modesty acha hota hai kyunki agar ye yahan chad jayega na ki I did this you know the nuance I, did you see SK the accent I did you know You know, what happens ki
बिहार के लड़के जब आते हैं दिल्ली में तो उनका जुबान बदल जाती है, सो मैंने वो पकड़ा वहाँ पे। फाड़ू में क्या था कि आई सॉ अ लॉट ऑफ ड्रंक, यू नो माय रिसर्च वाज लाइक आई स्पेंड 3 months विद देम। ये करोगे तो फिर ये तो एक तो झूठ है, क्योंकि लाला तुमने ना किया ये, और ऐसा कुछ किया भी ना तुमने ऑन स्क्रीन। और एक्चुअली यार ये डायरेक्टर का मीडियम है, वो ही तुम्हें बताता है कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। मेरे को मेरे लिए एक लाइन हो एक फिल्म में, या दो लाइनें हो, या लीड हो, या एंटागनिस्ट हो, या हीरो का दोस्त हो, मैं सब कर लूंगा जैसा डायरेक्टर कहेगा। बिकॉज ये सच है कि वो डायरेक्टर्स नहीं होते तो ये कहानियां नहीं बनती। हाँ। ये किरदार नहीं बनता। अनुराग कश्यप नहीं होते तो मैं कभी कान नहीं जाता, यू नो, या अमित शर्मा नहीं होते तो शायद मैं कभी मुंबई नहीं आता। मेरे को पहली फिल्म नहीं मिलती जो आलिया के साथ मैंने की, तो वैसा है यार, उतना ही है। पैसे के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है? पैसे के साथ बचपन का मैं बताता हूँ कि मेरे पिताजी अकेले कमाने वाले थे, हम 6 लोग थे घर में, मेरी 3 बहनें, मैं, मम्मी और पापा। तो हम लोगों ने कब में खुशी में गुजारा करना सीखा है, जब तक हम फौज में थे तो हमारे पास 2 BHK 3 BHK अच्छे स्पेशियस घर होते थे, लेकिन जब हम रिटायर हुए तो फिर पापा रिटायर हुए तो हमें रियलिटी चेक हुआ कि सिविल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। तो हम लोग 1 BHK में आ गए, विच इज़ लोअर इनकम ग्रेड, LIG फ्लैट्स होते हैं दिल्ली में, तो हम LIG फ्लैट्स में रहते थे हम 6 लोग। तो वहाँ पर एक लाइफ बिल्कुल अलग शिफ्ट हुआ। पहले हमारे पास किचन गार्डन होता था, सब बच्चों के अपने कमरे होते थे, पेरेंट्स का अपना, सब कुछ एक ही साथ था। तो बहुत सारा सच आपको देखने को मिला वहाँ पर। फिर उसके बाद बहुत रिसेंटली एम्स मेरा जाना हुआ, और फिर वहाँ पर आपने मैंने लाइफ को बहुत क्लोजली देखा कि जितने लोग अस्पताल के अंदर हैं उतने ही अस्पताल के बाहर अखबार बिछा के सो रहे हैं, क्योंकि वो रिलेटिव्स हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक कमरा ले सकें। तो हम लोग कहीं बीच में थे, हम वहाँ भी नहीं थे, लेकिन हम ऐसे भी नहीं थे कि हम कहें कि अब शादी होने वाली है नए कपड़े, वही बाहर पहनने वाले कपड़े और घर वाले कपड़े हमारे यहाँ अभी भी अलग ही थे। तो इम्पॉर्टेंस समझ में आई पैसे की, लेकिन पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट है ये नहीं है ये भी समझ में आया। तो वो दोनों के बीच में हूँ, तो पैसा अभी भी समझता नहीं हूँ मैं कि उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, जो ये SIPs और वो है, तो आई हैव समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ इट, जो समझते हैं इस चीज को, पैसे को समझते हैं कि कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ कितना पैसा जाना चाहिए, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ। मेरे को वो टैक्स फॉर्म्स वगैरह भरना नहीं समझ में नहीं आता, मतलब कोशिश करूंगा तो समझूंगा, बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो पैसे को मैं उतनी अहमियत देता हूँ, उससे ज्यादा नहीं, कि मेरे को ईज रहे, स्ट्रगल ना हो, लेकिन वो सर ना चढ़े कि मैं उसके पीछे कहीं भाग रहा हूँ। स्पेंडर नहीं हूँ आप, मतलब आप नहीं, बहुत ऐसा नहीं, कुछ नहीं कि यार जी ले जिंदगी यही आज, मतलब मैं ट्रैवल कर ही लेते हैं। अभी हम लोग न्यूजीलैंड घूम के आए मियाँ बीवी दोनों, हमारे 2 और दोस्त हैं हमारे साथ, तो 15-20 दिन घूम के आए, तो ठीक है, अच्छा है। मतलब माँ को लगता है कितना पैसा खर्च हुआ, उनका सवाल होता है, तो कुछ अच्छा लगता है, तो इतना होना चाहिए, कुछ अच्छा लगे औकात में हो तो ले सको, बहुत जो मन बचपन से मन मसोटते रहे वो ना करना पड़े, बस आप ले सको, उतनी ही जरूरत है पैसे की। और पैसे को वहीं रखता हूँ मैं, उससे ज्यादा नहीं, जरूरी है क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस आपको 100% देता है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि आप पागल ही हो जाओ उसके पीछे, इतनी ही इंपॉर्टेंस है पैसे। ये रिश्ता मेरे को लगता है क्योंकि वो दोनों साइड देख लिए, वो देख लिया है कि एक कमरे में कैसे गुजारा करना, और फिर अभी थोड़ा ठीक ठाक स्पेस है, दोनों देख लिए, तो अच्छा स्पेस है ये। नाइस। सो आप बिटवीन यू एंड योर पार्टनर कौन डिसीजंस लेता है, फाइनेंशियल डिसीजंस की अगर बात करें, या फाइनेंशियल डिसीजंस कहां घूमने जाना है? तो वो जो जिनका मैंने नाम लिया तीसरे बंदे वो ले सकते फाइनेंशियल डिसीजंस हम दोनों। खाने में क्या खाना, ये 2 सवालों का हमारे पास कभी जवाब नहीं होता। जब हमारी कुक आती हैं और बोलती हैं कि क्या बनाऊं, दीदी भैया क्या बनाऊं, हम दोनों के पास कोई जवाब नहीं होता, और पैसा कहाँ लगाना है इसका भी कोई जवाब नहीं होता। तो इसके लिए हमने जो हमारी दीदी हैं वो डिसाइड करती हैं, उनके हिसाब से हम खाते हैं और इनके हिसाब से हम कमाते हैं, तो ये हमारा खाना कमाना चल रहा है। बहुत सही है यार, सॉर्टेड साउंड कर रहा है। और घूमने जाना है ये कौन बताता है, मतलब कहाँ कहाँ जाएंगे? जैसे मैं बताता हूँ कि या तो अगर तापसी कहीं शूट कर रही होती है, ठीक है, तो मॉरिशस शूट करे तो चलो, बूढ़े पे शूट करे तो चलो, क्योंकि एक तो यार दोस्त हो जाते हो साथ में। मेरे को लगता है शादी के बाद 1-2 जगह ही होंगी जहाँ हम लोग साथ में गए होंगे अनुभूति और मैं, वरना हम दोस्तों के साथ ही घूम रहे हैं। जैसे अभी ये ट्रिप न्यूजीलैंड वाली भी हमारी नहीं थी, हमारे 2 पायलट दोस्त हैं, वो बोल रहे थे हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, हमने कहा अच्छा, तो अनुभूति ने बोला बहुत सुंदर जगह। एक बिल ब्रायसन नाम के राइटर हैं, विदेशी राइटर थे मेरे ख्याल से, और वो ट्रैवलॉग्स लिखते हैं, तो अनुभूति रीड्स अ लॉट, तो उसने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में, उसने कहा कि चलो,
तो हमने कहा फिर चलो तो हम चले गए. बहुत सुंदर जगह है यार, बहुत सुंदर जगह है. मतलब खर्चा होता है थोड़ा लेकिन बहुत सुंदर जगह. तो ऐसे बनते हैं ट्रैवल प्लान्स. कुछ ऐसा नहीं होता कि वी हैव टू गो टू टू डेस्टिनेशंस दिस ईयर, वैसा नहीं होता है. यार आई रियली लाइक दिस थिंग, इट्स सो सॉर्टेड. हां जब है तो करो, जब नहीं है तो आपको पता है कि नहीं जा सकते. वेरी नाइस. सो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट्स कमिंग अप? आई एम स्टार्टिंग अ शो इन फरवरी यार, वो शूट हो रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग एक लव स्टोरी ऑफ सॉर्ट्स है. तो वो करूंगा. हाँ फिर उसके बाद एक फीचर है एस्पिरेंट सीजन 3 का, कुछ कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ है. वो तो लोगों ने कमेंट्स में आप लोगों को भैया फोटो डाल रहा हूं मैं अपनी, भैया सीजन 3 कब आएगा? अबे आई सॉ दैट, अबे लुक एट दिस फेस ब्रदर, से यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, व्हाट इज सीजन 3 कब आएगा? से भाई क्या दिखते हो आप, कुछ तारीफ तो कर, क्या चश्मा कहां, कमाल का चश्मा लग रहा है, कहां से लिया सर, क्या हेयर कट है आपका, हां ऐसा कुछ बोलो ना, ये क्या है कि सीजन 3 कब आएगा सर, आपकी जॉ लाइन शार्प होती जा रही है. तो हां ये यार ये डिस्कशन चल रहा है. और मैदान एक फिल्म है जो की है, तो वो देखते हैं कब आती है. वो एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है. अमित बहुत ही कमाल के डायरेक्टर है, बधाई हो जिस तरह की फिल्म उन्होंने बनाई. इमोशंस को उनसे बेटर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कोई दिखा नहीं सकता है. तो उनके साथ है, एक्साइटेड अबाउट दैट पार्ट. बड़ा इंटरेस्टिंग लुक है अगेन. एक बहुत इंटरेस्टिंग लुक है. रेडियो बहुत यूज किया उसमें मैंने. Amazing. Collaborating with the best people in the industry. हाँ मतलब by never. Yeah, I don't know how it's happening. पर अच्छा है, ऐसा होना चाहिए. हाँ बहुत अच्छा. ऐसा मांगता है, ऐसा ही मांगता है. We are very glad. क्योंकि बहुत मजा आ रहा है. मुझसे ज़्यादा glad. ये बात तो सच है. कर रहा हूँ. सबसे ज़्यादा glad तो मैं. पर दिन end towards the end हमेशा formal हो जाती है थोड़ी सी. जी इनको ये formula change करना पड़ेगा. आपको बात करने का एंड का तरीका थोड़ा फॉर्मल है, पहला वाला कैजुअल ही रखते हैं. कैजुअल ही रखती हूं. थैंक यू सो मच, इट वाज सच एन ऑनर. फिर फॉर्मल हो रहा है ना यार, आप ही कर दो एंड. बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. और ठीक है बोल दो ना सब्सक्राइब करने के लिए डिजिटल कमेंट्री. मैं कुछ आप कोई अपने किसी कैरेक्टर के अंदाज में या आपके अपने स्टाइल और अपने किसी अंदाज में. सोशल मीडिया के दौर में कमाल होता जा रहा है. एक लाइक सब्सक्राइब के लिए दुनिया का इंसान अपना सब कुछ दिखाया जा रहा है. डीप. लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो. नंगा, हमें नंगा कर दिया बेसिकली. हम लाइक्स और सब्सक्राइब के भूखे. No, but it was amazing यार. मतलब काफी टाइम से इसके बारे में बातचीत चल रही थी कि करेंगे करेंगे करेंगे. फाइनली मेरे पास वक्त था, तुम्हारे पास वक्त था और फिर मिलकर हो गया. सो ग्रेट, बहुत बहुत अच्छा लगा हमें. और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग योर इम्पोर्टेंट टाइम. थैंक यू एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर प्रोजेक्ट्स. कैश कहाँ से लेना है? कैश हमें भी पूछना है. चलो तो साथ में पूछ लेंगे. वी होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा. ऐसे ही ढेर सारे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, चैट शोज और एंटरटेनिंग कॉन्टेंट देखने के लिए सब्सक्राइब टू डिजिटल कॉमेंट्री. और हाँ, हम आपके लिए केस स्टडीज भी ला रहे हैं जिसमें हम एक टॉपिक पर डीप डाइव करते हैं विद वेल बैक्ड रिसर्च. अगर आपने एपिसोड्स नहीं देखे अभी तक तो क्या कर रहे हैं, देखिए. अरे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मचा दो यार. क्या कर रहे हो यार, डू इट राइट नाउ.